अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की इस वीडियो में ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्टाइलिश सा फ्रॉक जो है हम घर पर बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम सिंपल कपड़े से, बिल्कुल सादा से कपड़े से डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मीटर फैब्रिक लिया है, 2 मीटर लेस और 1 साल की बच्ची का ये फ्रॉक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो प्लेन फैब्रिक लिया है उसके ऊपर बॉक्स बनाए हैं मैंने 1.5 इंचेस के गैप से। ये 2 पीसेस है मेरे पास, एक हम साइड पे कर देंगे और दूसरे की हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ मैंने जो ली है वो 15 इंचेस है और विड्थ जो मैंने ली है यहाँ पे 20 इंचेस है। डिजाइनिंग फैब्रिक लेंथ 7, विड्थ 8 है। उसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, जो हमारा फ्रंट है उसे भी फोल्ड करेंगे और दोनों को इस तरह से रखेंगे। शोल्डर हमने जो है 3 इंच छोड़ के बाकी जो हमने इस तरह से कटिंग करनी है, आप देखें मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। 3 इंच मैंने शोल्डर छोड़ दिए हैं। अब इस तरह से जहां मैंने कपड़ा रखा था वहां तक मैंने इस तरह से कट कर देना है। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बड़ी सारी नेक लाइन हमने रेडी कर ली है, बट ये हमारी डिजाइनिंग के लिए। यहाँ पे हमने स्मॉल चुनट्स डालने हैं। ये जो फैब्रिक है इस तरह से रख के हमने स्टिच करना है चुनट्स डालने के बाद। तो यहाँ पे मैंने नलकी ले ली है, ब्लू कलर की नलकी है, डार्क ब्लू, आपको शायद ब्लैक लग रही होगी। तो बॉबी में मैंने ब्लैक डाला है, ऑरेंज ही डाला है और ऊपर वाली साइड पे मैंने ब्लैक रखा है। डबल डबल सिलाइयां मैं इस तरह से लगाती जाऊंगी। डबल लगाएंगे तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी, अगर हम सिंगल लगाएंगे तो वो ज्यादा प्यारी भी नहीं लगेंगी और वाजिया भी नहीं होंगी। तो इस तरह से मैं डबल डबल घुमाती जाऊंगी और सारे बॉक्सेस जो है मैं रेडी कर लूंगी। पहले एक साइड की सिलाइयां लगाऊंगी, उसके बाद जो है दूसरी साइड की लगाऊंगी। तो सिलाइयां आपने डबल ही लगानी है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और प्यारी लगे। उसके बाद आप इन बॉक्सेस के अंदर कुछ भी, कोई भी फ्लावर्स, पर्ल वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज जो है लगा सकते हैं, गोटा फ्लावर भी, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। इस तरह के फ्रॉक बहुत प्यारे लगते हैं, नन्ही परियों को पहनाए गए। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल का विजिट भी जरूर कीजिएगा। आपको बहुत प्यारे प्यारे से डिजाइन मिल जाएंगे, वीडियोस मिलेंगी कि किस तरह से आप बचे हुए कपड़े से नन्ही परियों के बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस बना सकती हैं, स्टाइलिश कर सकती हैं, किस तरह से अपनी नन्ही परियों के ड्रेसेस को। वीडियो का एंड तक देखिएगा। आने वाले तमाम नए व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से सारे बॉक्सेस हमने रेडी कर लेने हैं डबल डबल सिलाइयां लगा के। देखिए डबल लगा रही हूँ इस वजह से वाजिया हो रहे हैं सारे बॉक्सेस। अगर मैं सिंगल लगाती तो वो इतने प्यारे भी नहीं लगने थे और वाजिया भी नहीं होने थे। अगर आप एंकर थ्रेड लें तो एक ही सिलाई भी काफी हो जाएगी। तो ये देखिए बॉक्सेस हमारे रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी, एक इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। जहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऐसे ही आपने भी स्टार्ट करना है, बिल्कुल सीधी सिलाई जहां से हमने कटिंग, यहां तक बिल्कुल यहां तक हमने सीधी सिलाई लगा ली है। उसके बाद यही धागा हम एक साइड से पकड़ के खींचेंगे तो स्मॉल चुनट्स बनते जाएंगे। आप वैसे भी डाल सकती हैं बट मैंने इस तरह से डाले हैं, बहुत ही बारीक बनेंगे तो प्यारे लगेंगे। इस तरह से दोनों साइडों से धागा खींच के मैंने चुनट्स डाल दिए हैं। चुनट्स बिल्कुल बराबर करने हैं आपने, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, एक साइड पे ज्यादा कम नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से ये डिजाइनिंग पट्टी जो हमने रेडी की है वो हम इस तरह से रख के स्टिच करेंगे, साइडों से थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर रख के लगाते जाएंगे। चुनट्स आपने इतने डालने हैं कि आपकी डिजाइनिंग पट्टी जो है उसके ऊपर पूरी आ जाए। इस तरह से साइडों से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है आपको ये फ्रॉक बनाने का। इस तरह के रेडीमेड स्टाइल फ्रॉक जो हैं बहुत महंगे मिलते हैं हमें मार्केट से, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके लिए मैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी डिजाइनिंग लेकर आती हूँ ताकि मेरी बहनों को आसानी हो कि किस तरह से वो अपनी नन्ही परियों के ड्रेसेस को स्टाइलिश बनाए बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही आसानी के साथ।
बहुत इजी मेथड बताती हूँ मैं आप सबको। आप इसके अलावा भी अगर कुछ देखना चाहती हैं तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकती हैं। कमेंट में अपना फीडबैक भी जरूर दिया करें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। आप सबके साथ और प्यार की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज सपोर्ट लाजमी कीजिएगा। इस तरह से हमने जो डिजाइनिंग पट्टी रेडी की है रख के सिलाई लगा देंगे हम। तीनों साइडों से हमने इस तरह से स्टिच कर दी है। ये तो हमारा फ्रंट रेडी हो गया है। अब हमने बैक रेड करनी है। ये जो बैक फैब्रिक है उसकी भी लेंथ और विड्थ सेम होगी। इस तरह से हम उसको भी डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड हमने कर लिया है, सारी सिंगल फोल्ड ही है, डबल नहीं है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने सेंटर में कट लगा देना है। डिजाइनिंग पट्टी हमने जहां तक रखी है वहीं तक हमने मार्क कर लेना है। 2 इंच के गैप से हमने दोनों साइडों पर प्लेट्स डालने हैं। एक पैर से बड़े प्लेट्स डाले हैं मैंने, आप चाहे तो छोटे भी डाल सकती हैं। सेंटर से जो है हमने 2 इंच छोड़ देना है क्योंकि हमने बैक नेक भी रेडी करनी है और उसके साइडों पे जो है हमने इस तरफ भी डाल लेनी है प्लेट्स और उस साइड पे भी डाल लेनी है और तब तक डालनी है जब तक हमारा फ्रंट के बराबर नहीं हो जाता बैक भी। कटिंग नहीं करनी है हमने, प्लेट्स डाल के ही हमने बैक को फ्रंट के बराबर करना है। जितना ऊपर से फ्रंट होगा उतना ही हमने बैक करना है, लेकिन बैक हमने करना है प्लेट्स डाल के। तो मेरे जो प्लेट्स थे वो 5 एक साइड पे आए हैं और 5 एक साइड पे आए हैं तो बराबर हो गया था। मैंने एक पैर से जो है बड़े प्लेट्स डाले हैं, आप देख सकती हैं कपड़ा थोड़ा एक पैर से बाहर निकल रहा है। दोनों साइडों पे 5-5 प्लेट्स डालने के बाद जो है मेरा बैक बिल्कुल फ्रंट के जितना हो गया था। बहुत ही आसान तरीके के साथ जो है हम बच्चियों के रेडीमेड स्टाइल घर पे ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम अब दूसरी साइड पे डालेंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि जो प्लेट्स का रुख होगा वो दोनों साइडों का ही बाहर वाली साइड पे जाएगा, अंदर वाली साइड पे नहीं आएगा। जो इस तरफ हमने 5 डालनी है वो भी शोल्डर की तरफ जाएंगी और जो इस तरफ 5 डालनी है वो भी शोल्डर की तरफ जाएंगी। इस तरह से प्लेट्स के नीचे प्लेट्स रख के हम डालेंगे तो बिल्कुल एक जैसी बराबर प्लेट्स आएंगी, जरा सा भी छोटी बड़ी नहीं होगी, फर्क भी नहीं आएगा। और दोनों साइडों पर देखिए बिल्कुल सेम एक जितनी ही प्लेट्स हमने डाल दी और फ्रंट जो हमारा रेडी हो गया। इस तरह से हमने सेंटर में अब कट लगाना है और इस तरह से रख के अब हम नेक की मेजरमेंट करेंगे और कटिंग करेंगे। बराबर कर लें अच्छे से इस फैब्रिक को भी और बैक साइड को भी। इस तरह से फ्रंट के ऊपर ही हम बैक के ऊपर ही हम इस तरह से फ्रंट रखेंगे। फ्रंट रखने के बाद जो हम नेक की कटिंग करेंगे। इसका आर्म होल हमें जो है नहीं बनाना है, सिर्फ नेक की विड्थ और लेंथ जो मैंने यहाँ डेप्थ जो है मैंने 2x2 इंच ली है। सीधी लाइनें लगा के 2x2 की तो हमने राउंड शेप दे देनी है। राउंड नेक बनाई है मैंने, राउंड नेक छोटी बच्चियों को पहनाई बहुत प्यारी लगती है। फ्रंट से हमने बिल्कुल पूरी पूरी बनानी होती है बैक से भी, लेकिन जो बैक साइड भी हम कट देते हैं उसकी वजह से बच्चियों को नेक जो है आसानी से आ जाता है। तो बैक कट जो है लाजमी रखा करें, बच्चियां कंफर्टेबल रहती हैं। ज्यादा बड़ा नेक रखेंगी तो वो झोल से पड़ते रहेंगे, गले में पहना हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप दोनों साइडों पे 2x2 रख के तो बैक साइड पे जो है आप कट रख दिया करें। तो ये देखिए जो हमने 2 इंच का गैप रखा था सेंटर में, वहां पे हम 3 इंच का लाइन लगा के कट लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में। इस तरह से मैंने 3 इंच पे कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, 2 पीसेज लिए हैं मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के। एक पीसेज रखूंगी इस तरह से और इसके ऊपर इस तरह से नेक लाइन रखूंगी जो मैंने कट की है और सिलाई लगा दूंगी। अब फिर से मैं एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लूंगी और इस तरह से सिलाई लगा दी है मैंने।
रख के आप देख सकते हैं। अब इस तरह से जो अंदर इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैं कट कर दूंगी और बैक साइड से भी इस तरह से मैं 1.5 इंचेस के गैप से कपड़ा कट करती जाऊंगी, बिल्कुल उसी शेप में जिस शेप में मैंने नेक लाइन रेडी की है, कट की है, बिल्कुल राउंड इस तरह से। अब इसे उल्टी साइड पे हम पलट देंगे, पलटने के बाद जो है हम इस पर तरपाई कर लेंगे, आयरन करके अच्छे से बिठा लें, सेट कर लें और इस तरह से तरपाई कर लें। फ्रंट और बैक नेक जो हमारी रेडी हो चुकी है, मैंने दोनों को तरपाइयां कर ली हैं। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर हमारे अटैच हो गए तो यहाँ पे स्लीव्स के लिए मैंने दो फैब्रिक लिए हैं जिनकी विड्थ 23 है और लेंथ मैंने यहाँ पे 3 इंचेस ली है। इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये 4 फोल्ड में आ गया है। तो यहाँ से हमने जो है तिरछी शेप के साथ जो हमने कटिंग करनी है थोड़ी सी, तो ये देखिए मैंने फोल्ड करके बारीक, तो इस तरह से लेस भी अटैच कर दी है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद जो है चुनट्स डालेंगे। चुनट्स भी मैंने डाल ली हैं स्लीव्स के ऊपर, इस तरह से अब रखेंगे हम और सेंटर में जो है हम इस तरह से स्लीव्स को पकड़ के कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो है हमने इस तरह से स्लीव्स को नेक वाली साइड पर रखना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगने के बाद जो है हमारी स्लीव बाहर वाली साइड पे आ गई हैं। अब नीचे वाली साइड पे भी मैंने लेस अटैच करनी है, तो इस तरह से रख के मैंने लेस लगा दी है गुम सिलाई के साथ, जो इस तरह हमारी लेस अटैच होगी। और ये जो फैब्रिक अंदर वाली साइड पे था वहां रख के मैंने सिलाई लगा दी है, दोनों साइडों पे लेस लगा दी है मैंने। अब ये स्लीव जो है मैंने अंदर वाली साइड पे करके इस तरह से इसे रखूंगी। 5 इंच छोड़ना है मैंने स्लीव्स के लिए और बाकी जो है मैंने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से फ्रिल जो हमने स्लीव वाली बनाई थी वो अंदर कर देंगे और यहाँ पे 5 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद जो है हमने यहाँ पे सिलाईयां लगा दी हैं साइडों की नीचे से। देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सा छोटू दरबी फ्राक रेडी हो गया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो मेरी बहनों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आने वाले तमाम नए व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस तरह के मजीद न्यू डिज़ाइन की वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।